साथियों आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अभी आज मैं पहुंच चुका हूं सोमनाथ। साथियों मैंने लास्ट के दो एपिसोड में आपको द्वारका और मैंने नागेश्वर के दर्शन करवाए आपको, और आज मैं पहुंच चुका हूं सोमनाथ। तो साथियों जुड़े रहिए मेरे साथ में, चैनल के साथ में, और मैं आपको सोमनाथ सौराष्ट्र सोमनाथ का दर्शन करवाने वाला हूँ। तो चलिए साथियों विजिट करते हैं आज सोमनाथ की, देखते हैं पूरा व्यू। तो साथियों अभी हम सोमनाथ बस स्टैंड पहुंचे हैं, यहां से ऑटो पकड़ के सोमनाथ टेंपल पहुंचेंगे और वहां का व्यू दिखाते हैं। चलिए साथियों इसी एपिसोड में आगे मिलते हैं। साथियों अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर के पास में और जा रहे हैं दर्शन के लिए, ये आप देख सकते हो। तो साथियों लास्ट टाइम जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था उसमें यह पास में से रास्ता है यहाँ जाने के लिए था मंदिर के अंदर। अब की बार लास्ट टाइम मैं जब आया था ये जगह कार्य प्रगति पर थी, अब की बार फाइनल हो चुकी है तो आप देख सकते हो। और अभी यहाँ से शुरू हो चुका है मंदिर में एंट्री के लिए, यहाँ से रहेगा तो जाते हम दर्शन के लिए। और साथियों में ऐसा लग रहा है कि हमें मोबाइल तो अंदर ले जाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत दो तीन बार पहले आया था उस टाइम भी मोबाइल प्रवेश नहीं था। तो हो सकता है साथियों हम बाहर से आपको कैप्चर मंदिर के दर्शन करवाएंगे। साथियों जो आपको ये पिलर दिख रहा है ये एक ऐसा अद्भुत पिलर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत के अंदर के इस दिशा के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं देगी, सारा का सारा पानी पानी है, समुद्र ही समुंदर है। और ये पिलर हजारों साल पुराना है, जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी उस टाइम का है, उसमें पूरा नहीं है। इसमें इसको भी कई बार आक्रमण के दौरान खंडित हुआ था पर इसका नवनिर्माण किया गया था। और ये हम वीडियो अंदर से कैप्चर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप बोल रहे थे अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो साथियों हमारे साथ में एक भाई थे जो पुलिसकर्मी, उन्होंने हमें ये वीडियो कैप्चर किया था और भेजा था। तो ये अंदर से देख सकते हो सोमनाथ का व्यू बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब दिख रहा है। साथियों अंदर मोबाइल तो अलाउ था नहीं हमारा, और हमने किसी एक भाई का मोबाइल यूज़ लिया और उस पर वीडियो बना के हमने आपके साथ में शेयर किया। तो जिन्होंने हमें मोबाइल दिया उनका लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमने आपको अंदर का भी व्यू दिखाया क्योंकि अंदर शिवलिंग के पास में मोबाइल ले जाना वाजिब है। मंदिर से तो बाहर अंदर एंट्री नहीं है मोबाइल की। इधर ये आउटसाइड समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ के लिए जा रहे हैं समुद्र की तरफ से, उधर समुद्र की तरफ अच्छा नज़ारा है। और वहाँ जो जय सोमनाथ का लिखा हुआ है वो लोगो भी है उधर। यहाँ से टिकट मिलेगा 5 रुपये पर पर्सन, ये अंकल करेंगे टिकट चेक। तो साथियों 5 रुपये का हमने टिकट ले लिया और अब आ गए समुंदर की तरफ। ये यहाँ से अंदर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ इधर है मार्केट, बढ़िया नज़ारा है मार्केट का भी। और आपने लास्ट टाइम लास्ट पुराने वीडियो में देखा भी होगा यहाँ का व्यू। तो साथियों अभी मैं समुंदर के किनारे पहुँच गया हूँ फाइनली, और दिखा रहा हूँ मैं आपको व्यू, एंजॉय ले रहे हैं बहुत सारे, देख सकते हो यहाँ सारे लोग बहुत सारे नहा रहे हैं। और इधर समुंदर की लहरें चल रही है समुंदर के किनारे, यहाँ घोड़ा ऊंट बहुत सारी कैमल सफारी वगैरह भी है, इनका आप एंजॉय ले सकते हो।
और बहुत ज़्यादा पब्लिक भी है इधर, भीड़ देखने को मिलेगी आपको। क्या लहरें आ रही है, क्या लहरें आ रही है, ये देख सकते हो। यहाँ का एंजॉय की बात करें तो साथियों बहुत ज़्यादा है, बता नहीं सकते हैं शब्दों में, बयां कर नहीं सकते, इतनी आ रही है, डर भी लग रहा है और एंजॉय भी है। ये एंजॉय है, ये देखो बंदर की तरह चलंग फिलंग कर रहा है। क्या लगे हो? तो साथियों आप देख सकते हो जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों की भीड़ बढ़ रही है, बहुत अच्छा नज़ारा कैप्चर हो रहा है यहाँ से भी। और हम जूते भी हाथ में लेके घूम रहे हैं क्योंकि भीग ना जाए। तो साथियों हमने समुंदर के साथ में खूब एंजॉय ले लिया है और ये समुंदर के पास में हनुमान जी का स्टेच्यू बना हुआ है क्योंकि आशीर्वाद दे रहे हैं कोई भी लोगों के साथ में कुछ घटना नहीं हो। तो साथियों अभी हम पहुँचे हैं जो पास में ट्रैक बना हुआ है समुंदर के किनारे किनारे, तो वहाँ से मंदिर का बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी लाइटिंग शो चालू नहीं हुआ है, लाइटिंग शो चालू होने के बाद में भी बहुत गजब का लाजवाब इसको। तो जब भी आपका आने का प्लान हो तो इस तरफ आके जरूर जाए, जय सोमनाथ का लोगो लगा हुआ है यहाँ के, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा के जाइए। तो साथियों ये सोमनाथ मंदिर का पूरा व्यू है जो आज आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। और इस मंदिर की बात करें तो साथियों इस पे 16 बार आक्रमण हो चुका है, ये 17 बार इसका नवनिर्माणित हो चुका है। और सबसे पहले आक्रमण इसका मोहम्मद गजनबी ने किया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। और अब की बार कोशिश है सोमनाथ मंदिर का पूरा रहस्य जानने की। और आपने सुना होगा साथियों एक जो यहाँ पिलर लगा हुआ है जिसके बाद में उस दिशा में कोई धरती इतना ही है, सारा समुद्री समुंदर है, पानी पानी है, तो आपने वो सही सुना है। और वो ये वाला है साथियों जो आपको इस तरफ निशान दिख रहा होगा, इस सीध में पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पानी नहीं, धरती नहीं है, सारा का सारा पानी ही पानी है। तो साथियों अब हम वापस दूसरी बार दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने वाले हैं क्योंकि आरती का टाइम हो गया, 7:15 के करीबन आरती होती है, तो आरती के बाद का व्यू देखते हैं साथियों और मिलते हैं इसी ब्लॉग में थोड़ी देर बाद। तो साथियों अब हम फाइनली आरती के दर्शन और यहाँ लाइटिंग शो चलता है उसके दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब हम निकलते हैं अहमदाबाद के लिए। तो साथियों यहाँ का हमने दृश्य दिखाया आपको, सोमनाथ के दर्शन करवाए, तो इसी के साथ और ये हमीर सिंह जी का स्टेच्यू बना हुआ है, उसके जस्ट सामने आपको समुद्र की तरफ जाने का मौका मिलेगा। तो साथियों जरूर सोमनाथ की विजिट कीजिए, साथ दो तीन से चार दिन का टाइम लगेगा आपको, पर विजिट कीजिए और व्यू देखिए, बहुत शानदार अति सुप्रीम। इनके बारे में जितनी चीज़ें बताए हैं वो भी कम है। साथियों आज का एपिसोड को हम यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो के साथ में।